Hey bro, you okay? Do I know you? I'm not sure. Doesn't matter. You don't look fine, bro. Can I help you in any way? Help? No. Are you sure? Do you think life is fair? I think life is a gift. Gift? वो कैसे? मेरा मानना है कि हम लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं और हर एक्सपीरियंस आपको शेप करता है. What if किसी के एक्सपीरियंसेस हुए बुरे? होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके. But as I said के it all shapes you into something better. मेरे ख्याल में लाइफ इज नॉट फेयर. ऐसा क्यों सोचते हो? अगर लाइफ फेयर होती तो इतने गम तो ना होते. गम तो इंसान की जरूरत है. गम में इंसान नर्म पड़ जाता है और फिर दूसरों का गम भी फील करता है. मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही. गम तो इंसान को तोड़ देता है. तुम्हें क्या गम है? क्या क्या बताऊं? Whatever you can. I think I have made a lot of mistakes. मेरा कॉन्फिडेंस शेटर हो चुका है. अब मैं कुछ भी करते हुए घबराता हूँ. होता है, नेचुरल है, इंसान है, जल्दी घबरा जाते हैं. क्यों हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमारा कोई कसूर ही नहीं? अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? क्या ये फेयर है? एक बात बताओ, यूसुफ अलैहि सलाम की स्टोरी तो पढ़ी होगी तुमने. हाँ, सुनी है. ये बताओ कि यूसुफ अलैहि सलाम का क्या कसूर था कि उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया? That's my point. क्यों होता है ऐसा? Do you think यूसुफ अलैहि सलाम एक बुरे इंसान थे? नहीं. इस स्टोरी का एंड क्या होता है? मैं आपका पॉइंट समझा नहीं. यूसुफ अलैहि सलाम बिकम्स द किंग ऑफ इजिप्ट. Oh yes, he does. But आपका पॉइंट क्या है? यही कि our every experience takes us to our ultimate purpose. And you never know कि तुम्हारे experiences तुम्हें कहाँ ले जाए. फिलहाल तो suicide की तरफ ही लेकर जा रहे हैं. वैसे ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बस, I'm drained. Emotionally, mentally and physically. But why? Because I believe I'm useless. एक तरफ मेरे parents मुझसे खुश नहीं, दूसरी तरफ मेरे personal issues बहुत हैं. I'm going down in everything. I think even Allah भी मुझसे नाराज है. Allah जिनसे नाराज होता है ना, वो ये फिकर कहाँ करते हैं कि Allah नाराज है कि नहीं. आपकी बातें अच्छी हैं, but they're not helping me. अच्छा एक बात बताओ, Do you think के लाइफ में अगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो तो लाइफ विल बी ब्यूटीफुल? At least it would be easier. But great things don't come with ease. But does that mean we suffer? No, but we face it with beautiful patience. ये beautiful patience क्या होती है? Beautiful patience is के you take a deep breath and you embrace what's happening. And you hope for the best. क्या embrace करने और hope करने से situation change हो जाती है? My dear, Allah will not put you in a situation you can't handle. But I can't handle all this. फिर Allah से कहो कि तुम्हें हिम्मत और बसीरत दे. कहता हूँ, बहुत कहता हूँ. Keep asking. बेशक मुश्किल के बाद आसानी है. क्या आपकी लाइफ में सैड एक्सपीरियंसेस नहीं है? हाँ, है तो सही. तो आपको डर नहीं लगा रहता कि पता नहीं आपका क्या होगा? लगा रहता था, काफी एम्बिग्विटीज थी. फिर आपने क्या किया? मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया. और इससे आपका डर खत्म हो गया? यस.
क्या वाकई? तुम्हें यकीन नहीं आता ना? चलो कभी ना एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने सामने लाओ और अल्लाह के सामने पेश करो कि ऐ अल्लाह, ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बस अब तू संभाल ले। सो पॉइंट इज कि एम्बिगुइटीज एंड अनसर्टेनिटीज नेचुरल है, बट हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। यस, अल्लाह बेहतर जानते हैं कब किसको क्या देना है। Although I feel better, but I'm not sure. Not sure of what? Not sure कि मैं ये सब हैंडल कर भी सकता हूँ या नहीं। Listen young man, इंसान सिर्फ एफर्ट करता है और करता रहता है यहाँ तक कि उसे उसका मकसद समझ आ जाता है। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के दो ही तरीके हैं, या उस प्रॉब्लम को लेके रोते रहें, कुड़ते रहें, या फिर शुक्र और सबर करें और अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। यस, यू आर राइट, बेहतर तो यही है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पूछो। आई विल मेक एफर्ट, बट डू यू बिलीव अ मैन कैन चेंज हिज डेस्टिनी? आई बिलीव अ मैन डज व्हाट ही कैन until his destiny is revealed to him. That's deep. Listen, zindagi bahadri se guzaro. You have a lot of khair in you. Allah will never let you go waste. How do you know about me? I know a lot about you, Ali. Ali? किससे बात कर रहा है? बस समझ ले के अपने आप से ही कर रहा था। चल छोड़ यार, चलें। इंसान कितना नादान है, समझता है कि मुश्किलात उसे गिराने और हराने आती। दुनिया में ऐसे हजारों अली हैं जो इसी सोच के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अगर वो अपनी तमाम मुश्किलात में अल्लाह पर तवक्कल करें तो जान लें कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और एक रोशन मुस्तकबिल हमेशा उनका मुंतजर रहेगा।